सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ् कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय बहुत ही सुंदर स्वाध्याय निरंतरता के साथ चल रहा है हम स्वाध्याय नित्य करते रहें तो एक न एक दिन हमारा ज्ञान बहुत ही सुंदर बहुत ही जीवन सफल करने के लिए अत्यंत महनी होगा यह स्वाध्याय ऐसे खाली समय में अनेक दुर्व्यसनों में लोग फंस जाते हैं समय नष्ट करते रहते हैं परंतु स्वाध्याय के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है लोगों को जो भौतिक जीवन जीते हैं यदि जीवन को संतुलित व्यवस्थित और अपने आनंद से सुख से परिपूर्ण करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम नित्य प्रति स्वाध्याय करें और स्वाध्याय से हमको नई नई बातें मिलती हैं नित्य कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ऋग्वेद के छठे मंडल के सत्ताइसवें सूक्त का पिछली कक्षा में हमने स्वाध्याय किया था और आज आगे बढ़ रहे हैं इसी सूक्त में सत्ताईसवें सूक्त में कहा कि हम अपने जीवन का रक्षण करें जो भोग भावनाएं उनको नष्ट करें और सातवें मंत्र में कहा यस्थे गावा वरुषा सूय वस्ुअनू सुचर तो रेहिणा सा सृजायाय तुर्वशम परादात वृचिवतो दैववाताय शिक्षण जिस प्रभु दी हुई अरुषा आरोचमान तेज व जान से चमकती हुई अच्छी प्रकार बुराइयों को दूर करने वाली व वा अच्छाइयों को ग्रहण करने वाली यज्ञों व वा जानों का आस्वाद लेती हुई जो कर्मेंद्रिय व ज्ञानेन्द्रिया रूपी गायें हैं ये गौवे हैं इनको गो गमनाथ ये हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं तो परांचिखानी वितरणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नंतरात्मन तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये बहिर्मुखाएं गमन करने वाली हैं तो इसलिए इनको गाय बोलते हैं गौ और वाणी को भी गौ बोलते हैं पृथ्वी को भी क्योंकि ये गति करती इसको गौ बोलते हैं और जो पशु है वो भी गौ गमना गाय वो भी जो है गमन करती है तो ये जो जान इंद्रिया कर्म इंद्रिया हैं इस शरीर को विशेष रूप से कर्मों को करती हुई पृथ्वी को द्रण हुआ तेजस्वी बनाती है अर्थात यह शरीर जो भौतिक है इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए भी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए ज्ञान इंद्रियां ज्ञान को प्राप्त करती हुई मस्तिष्क वादी लोगों को जानो ज्वल करती हैं सहवे प्रभु श्रृंजाय श्रृंजाय गतिशीलता के द्वारा विजय को प्राप्त करने वाले के लिए तुरवशम त्वरा से वश में कर लेने वाले इस क्रोध को परादा दूर करते हैं और ये प्रभु ही दैव वाताय अर्थात माता पिता आचार्य अतिथि आदि देवों से प्रेरित होने वाले इस अभ्यावर्ती चायमान के लिए शिक्षण शक्ति देते हैं वे ऋचिवतः उच्छेद करने वाले वासना रूप शत्रुओं को सुदूर विनष्ट करने वाले होते हैं प्रभु उत्तम इंद्रिय अश्वों को प्राप्त करा करके शरीर रूपी पृथ्वी को तेज से दीप्त करते हैं मस्तिष्क रूपी जो दिवलोक है उसको ज्ञान से प्रदीप्त करते हैं क्रियाशीलता के द्वारा विजयी पुरुष के लिए क्रोध को नष्ट करते हैं तथा दैवतात पुरुष के लिए वासनाओं का उच्छेद करते हैं हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो हम अपनी इंद्रियों पर वस अपना रखें नियंत्रण रखें उसके लिए बहुत सुंदर चर्चा आगे भी अंतिम मंत्र में कही है इस जो है सत्ताईसवें सूक्त के आठवें मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम द्वा द्वाम, द्वाम अग्नि द्वयाम द्वयाम अग्नि द्वयाम अग्ने रथिनो विंशतिम रथिनो विंशतिम गा वधु मतो वधूम मतो मघवा मह्यम सम्राट मघवा महियम सम्राट आभ्यार्ती चायमानो ददाति दौडाशयम दक्षिणा पार्थवानाम ऋग्वेद के छठे मंडल के सत्ताईसवें सूक्त का यह आठवां मंत्र है अग्ने रथिनो विंशति गा वधो मतो मघवा महीम सम्राट अभ्यावर्ती चा ददा दूराशेय दक्षिणा पार्थवाना याम अग्नेरथिन्नो विंसती गा वधू मतो मघव मह्यम सम्राट अभ्यावर्ति चायमानो ददाति दूराशेयम दक्षिणा पार्थवाना बहुत सुंदर बात कही है इंद्रिया हमारी गौ कहलाती हैं ये ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियां रूप से दो भागों में बटी हैं इनके दो विभाग किए गए हैं और हे अग्नि हे परमपिता परमेश्वर हे प्रभो परमात्मन आप मघवा ऐश्वर्यशाली हैं आप यज्ञशील हैं मखा सम्राट अर्थात सम्यक शासन करने वाले हैं और दीप्त हैं प्रकाशित हैं सबको प्रकाश देने वाले हैं आप मह मेरे लिए दयान दयाम अर्थात इन दो भागों में जो बटी हुई रथिना, उत्तम शरीर रूप रथ वाली वधुमत वेदवाणी रूप वधु वाली विंशतिम और जो दस इंद्रियां व दस प्राण शक्तियां इस प्रकार से मिलकर के कुल बीस हैं विंशतिम तो इन बीस को ये जो हमारी बीस हैं जो दस प्राण शक्तियां और दस जो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां इन जो बीस गाह इंद्रिय रूप गवों को प्राप्त कराते हैं अभ्यावर्ती कर्तव्य कर्म रूप चक्र में चलाने वाले चाय माना प्रभु का पूजन करने वाला इन इंद्रियों को प्रभु के लिए ददाती देता है जो सच्चा साधक होता है जो सच्चा भक्त होता है जो सच्चा उपासक होता है जिसके अंदर निष्ठा है भक्ति है श्रद्धा है समर्पण है उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य को इन दी हुई पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया और जो प्राण शक्ति है इन सबको प्रभु के प्रति समर्पित करता है प्रभु का जो पूजन करने वाला है और विषयों में ना फंस करके इंद्रियों की शक्तियों का विस्तार करने वाला है सदा विस्तार से सब कार्यों को करने वाला है संकीर्णता उसके अंदर नहीं होती है इसलिए कहा कि पर्वता जो है पार्थ व नाम पृथु विस्तारे अर्थात जो विषयों में ना फंसने देने वाला है इंद्रियों को उन विषयों से हटाने वाला है और इनकी शक्ति का वर्धन करने वाला है क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं जितनी सशक्त होंगी जितना इनमें सामर्थ्य होगा उतना ही हम अपने जीवन को यशस्वी बना सकते हैं कोई भी व्यक्ति जिसको किसी कारण बस यदि वो बोल नहीं पाता है तो संसार की क्या सेवा करेगा वो अपनी भाव अपने जो है जीवन को भी अच्छा नहीं कर सकता तो दूसरों को कैसे वह सहारा देगा किसी को सुनाई नहीं पड़ता है किसी को दिखाई नहीं पड़ता है तो इंद्रिय वैकल्य के कारण दिव्यांग होने के कारण व्यक्ति चाह कर के भी बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर सकता क्योंकि उसका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है इसलिए सबका यह कर्तव्य है कि आत्म संयमित होकर इंद्रियों का संयमन करें इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमको संयम से जीवन जीना पड़ता है यदि संयम से जीवन नहीं जिएंगे तो नहीं है इंद्रियों की जो कमजोरियां हैं या जो न्यूनताएं हैं वो हमको सताने लगती हैं और जवानी में ही बुढ़ापे का आसार नज़र आने लगता है नौजवान व्यक्ति को भी अनेक रोग आकर के घेर लेते हैं इसलिए हमको जीवन में अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे दमन इंद्रियों का तू करता चला जा दमन इंद्रियों का तू करता चला जा काबू में आएगा मन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे सुने कान तेरे सदा वेदवाणी सुने कान तेरे सदा वेदवाणी तुकर वेदवाणी मनन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा छूटेगा आवागमन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे तो हम अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करते जाए तो प्रभु के प्रति इंद्रियों को देने का कार्य होगा अर्थात इन इंद्रियों से हम आत्म कल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर पाएंगे को प्राप्त कर पाएंगे प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे और दुड़ाशा दुड़ाशा नष्ट होने वाला नहीं यह दक्षिणा जब चलती है यह इन पार्थवों को नष्ट नहीं होने देती अर्थात कहने का आशा यह है कि प्रभु हमें जान इंद्रियाँ कर्मेंद्रिय रूप गौं को प्राप्त कराती हैं और जो कार्यक्रम में जो है चलने वाला प्रभु का पूजक इन इंद्रियों को शुभ के प्रति देता है अर्थात इनसे कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो पाप से युक्त है जो अधर्म से युक्त है जो असंयमित है अमर्यादित है अव्यवस्थित है ऐसे कार्यों में ना फंस करके जो शुभ कार्यों में लगाता है शुभ की ओर इनको प्रेरित करता है उसके प्रति लगाव रहता है तो इनकी यह दक्षिणा नष्ट नहीं होती यह दक्षिणा इन्हें भी नाश से बचाती है इंद्रियों का जो रक्षण करता है इंद्रियों को जो सुरक्षित रखता है ये इंद्रियाँ उसे भी सुरक्षित रखती हैं उसको नष्ट नहीं होने देती हैं उसको सदा ऐसे शुभ से भर देती हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर जीवन जी पाता है और प्रभु की शरणागति को प्राप्त करता है और प्रभु से प्रार्थना है शरण अपनी में रख लीजे दया मैं दास हूं तेरा तुझे तज कर कहा जाऊं कि तू है और ना मेरा भटकता हूं मैं मुद्दत से कहीं विश्राम नहीं पाता हूं दया की दृष्टि से देखो नहीं तो डूबता बेड़ा शरण अपनी में रख लीजे दया मैं दास हूं तेरा सताया राग द्वेषों का तपाया ता तीन तापों का दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये तीन ताप हैं इसलिए कहा सताया राग द्वेषों का तपाया तीन तापों का दुखाया जन्म मृत्यु का हुआ तंग हाल है मेरा शरण अपनी में रख लीजे दया मैं दास हूं तेरा तुझे तज कर कहा जाऊं कि तू को और है मेरा कि तू ही है मेरा और संसार में कौन है दुखों को मेटने वाले तुम्हारा नाम सुनकर मैं दुखों को मेटने वाला तुम्हारा नाम सुन कर मैं शरण में आ गिरा अब तो भरोसा नाथ है तेरा शरण अपनी में रख लीजे दया में दास हूं तेरा क्षमा अपराध कर मेरे फकत अब आस है तेरी क्षमा अपराध कर मेरे फकत अब आस है तेरी दया बलदेव पर करके बना नाथ निज चेरा दया मुझ पर कर करके बना नाथ निज चेरा शरण अपनी में रख लीजे दया मैं दास हूँ तेरा तुझे तज कर कहाँ जाऊँ कि कोई नहीं है मेरा ये संसार ये भावसागर से पार होने का एक ही उपाय है कि अपने ऊपर हम नियंत्रण रखें अपने मन वचन कर्म से उस प्रभु की भक्ति करें उसकी शक्ति का अनुभव करें और उसकी शक्ति से ही जीवन की मुक्ति है हम माता पिता गुरु आचार्य बेटा बेटी पति पत्नी मित्र मित्र इन सगे संबंधियों के प्रति संवेदना तो रखें परंतु इसके साथ साथ इनमें आसक्ति ना हो राग ना हो अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण पालन करें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें ये इंद्रियां हमको यशस्वी बनाती हैं हमको तेजस्वी बनाती हैं हमको नाश से बचाती हैं हमारी सबसे अच्छे सबसे सच्चे मित्र की भांति हमारी रक्षा करती हैं तो आगे और चर्चा करेंगे आज यहीं पर विराम लेते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति